लोग बोलते हैं हम डेवलपिंग नेशन है, गरीब है। अगर हम गरीब है तो मुझे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो देयर इज नो कॉर्पोरेट, द बिग कॉर्पोरेट्स इन द वर्ल्ड हु इज नॉट कमिंग टू इंडिया। अगर हम गरीब है, डेवलपिंग नेशन है, हमें इतनी कमी है, तो क्यों खाली हुए आ रहे हो यहाँ पे? दान कर दे तो ऑब्वियसली कोई नहीं आ रहा है। द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज सिंपल टू अर्न प्रॉफिट्स, सो वंस एनीवन इज कमिंग हियर दैट मींस देयर इज मनी, देयर इज वेल्थ। सो देयर इज नो डिफरेंस दैट इंडिया जो बोलते हैं सोने की चिड़िया थी, वो अभी भी है। क्या किया जा रहा है कि हमारे हाथ में धूल डाली जा रही है ताकि हम ऐसे करते रहे और वो चिड़िया को लुटा जा सके। 90% इफ यू सी द पैटर्न ऑफ द अर्निंग एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग, अ बिग अमाउंट इज गोइंग टू द बाहरी यार। तो ये सब चीजें हमको यानी सोचने के कई बार होता है। आप लोग अगर चाहें कि मैं थिंकिंग आपकी सबकी पॉजिटिव रहे, दो काम करेंगे, स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, शट डाउन जो टीवी है ना, 9 बजे के बाद बंद कर दीजिए अपना, बहुत आराम मिलेगा आपको। 9 बजे के बाद आप टीवी बंद कर दीजिए, डोंट वॉच डिबेट शो स्पेशली इंग्लिश। अगर आपको न्यूज में बहुत इंटरेस्ट है, ऑल इंडिया रेडियो है आपका, डीडी न्यूज है, एक लोकसभा टेलीविजन है, आप देखिए यू गेट समवॉट इनर्ट जो होता है ना, उसमें कोई लीनिंग्स नहीं है, क्योंकि आपको फैक्चुअली क्या चाहिए। अभी सपोज आप गए गाँव वहां पे प्याज खरीदने, बहुत महंगी थी प्याज, बहुत ज्यादा, तो आपने सोचा यार ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा महंगी है प्याज। आए देखा टीवी ऑन किया तो देखा ओसामा मर गया, उसके ऊपर एक डिबेट आ गई। आपका दिमाग प्याज व्याज छोड़ के ओसामा जिससे कोई मतलब नहीं हो, 3 बार मरे, 4 बार मरे, हाउ डज इट मैटर टू यू? देखिए टेररिज्म एवरीथिंग एज सच इज अ इशू, बट इट्स अ इशू एज लॉन्ग एज द मोमेंट समवन कम्स विद अ गन इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीवन इज गोइंग टू रिएक्ट इन सम वे। मैं फौजी था, हूं भी और रहूंगा वो दिल से। एक चीज बता रहा हूं, हम लोग ये जानते हैं कि जो रिएक्शन होता है ना आदमी का, या तो भागेगा वो भी रिएक्शन है, या उसको फेस करेगा वो भी रिएक्शन है। जब गन देखेगा तो मैं बैठ नहीं जाएगा कि आ भाई मुझे मार, संभव ये दिमाग में है, यू विल रिएक्ट। तो कोई जरूरत नहीं है हमको कि कोई जर्नलिस्ट आके हमको बताए कि भाई ये आज इश्यू है भैया, आज हम ओसामा पे डिस्कस करेंगे आज ये। तो यू शट अप ऑन टीवी, बंद करिए आप उस पर, देखिए आप बहुत यू विल फील रिलीव, और बिलीव मी आई हैव स्ट्रांग, मैं वो फैक्ट्स और फिगर्स से थोड़ा दूर रहता हूँ, आई डू हैव देम बट आई ट्राई टू स्टे अवे, बिकॉज जो बात आप बोल रहे हैं ना, जहाँ कॉम्प्लिकेसी फिगर्स की आ जाती है वहाँ पे बात से दूर हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ही बताऊंगा, क्योंकि वो मैं कोई दूसरे फोरम में बात नहीं बता सकता। एंडोसल्फान आपने सुना होगा इस इशू के बारे में, एंडोसल्फान से बच्चे ये केरला में कासरगोड एरिया में, किसी को पता है इस बारे में? ये बताता हूँ, ये किसने बीपी बताता हूँ, क्योंकि I want to underline what media is doing. There is a district Kasaragod in Kerala. Okay? In Kasaragod, coffee wala, coconut and cashew, kaju. Iska plantation se bada bada. Plantation Corporation of Kerala Limited, PCK. Wo land unki hai, kareeb 4000 acre zameen hai, wo uska plantation hai. So, 1977 mein inhone kya kiya, endosulfan ka Aryan spray. हेलीकॉप्टर से उसको स्प्रे करवाया हुआ है। पूरा एंडोसल्फान क्या है? हां एंडोसल्फान बता रहा हूं। अब ये देखिए फिर वो टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, बट अगेन एंडोसल्फान एक केमिकल है जो आपकी प्लांट है ना, ये जड़ होती है, बीज का तना है, इसको खाता है कीड़ा। एंडोसल्फान के स्प्रे से ये बच जाता है। सॉर्गम वगैरह कई प्रोड्यूसर्स में उसको यूज किया जाता है कई चीजों में। भारत में एंडोसल्फान का जो यूजेज पैटर्न है, अब उसको मैं बहुत सिंपली बोलूंगा। अच्छा किसी को मेरी अगर ये बात समझ नहीं आ रही है, जैसे बेटा तुमको, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस तो मुझे बताओ कि ये बात मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एंडोसल्फान के केमिकल पे जाऊं, मैं बहुत उसको नीचे ना रखता, ठीक है। एंडोसल्फान एक सिंपल सी मान लीजिए दवाई, बस सिंपल। मैं हूं केरला, ये है महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश, उस दवाई की आधी गोली खाता हूं, ठीक। ये 1000 गोलियां खाते हैं, ये 1500 गोली खाते हैं। मैं केरला हूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 1000 गोली खाते हैं, ये 1500 खाते हैं, मैं आधी गोली खाता हूं। कंपेयर कर सकते हैं सब लोग यूजेज, ठीक है। अब मैं आधी गोली खा के मेरे यहां सब टेढ़े मेढ़े पैदा होने लगे, आधी गोली खाते, वो 1000 खा रहे हो क्या? कोई कंप्लेन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके यहाँ 1500 खा रहे, ये खा रहे, कोई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सिर्फ आधी गोली खाने से मेरे को प्रॉब्लम है।
ये चीज मेरे को जब पता चली तो मैंने देखा कि कासरगोड में ऐसा हो रहा है, तो आई हैड एन इंटेंशन टू गो टू कासरगोड एंड सी व्हाट इज द रियलिटी, क्योंकि जब न्यूज में कुछ बहुत ज्यादा बताया जाता है तो थोड़ा फेथ में मेरे को तकलीफ होती है कि दिस रियली मतलब सच और झूठ अगर मुझे पता करना तो मैं न्यूज पढ़ूंगा, जैसे ही मैं देखूंगा मुझे लगेगा अच्छा ये चीज झूठ। विल गेट फ्री मेडिकल केयर एंटायर लाइफ कम है। नाउ देयर विल बी अ रेस टू गेट ऑन दैट लिस्ट व्हिच करंटली हैज अराउंड 535 या कुछ लोग। अब आप ये सोचिए कि मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे हमने सुल्तान गिराया, 10 आदमी हम खड़े थे, सबके सिर पे गिरा, जो बीच में एक था उसका हाथ टेढ़ा हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ, तो गड़बड़ कहां पे थी? हेलो सरकार ने लॉजिकली क्या कोई बता सकता है? इज देयर अ प्रॉब्लम विद हेलो सरकार? यस सच, आई एम नॉट सपोर्टिंग हेलो सरकार, क्योंकि मैं इसमें यहां पे इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऐसा फोरम है जहां पे मैं ऑनेस्टली जो मतलब कोई लाल लपेट वाली बात नहीं है, बट वी हैव टू थिंक दैट इज इट एन हेलो सरकार ओनली, क्योंकि देन वी हैव अ वी कैन कंडक्ट अ स्टडी ऑफ महाराष्ट्र एंड द मध्य प्रदेश। तो मैं कुछ लोगों से पता लग पाया केंटारा में एक भी केस थे, नॉट अ सिंगल केस। फिर मैं एक और चीज पता लगा कि 1977 से पहले जो कभी बीमारियां दिख रही है क्या इंसिडेंस था, कोई डेटा नहीं। फिर एक और चीज पता लगा कि इसके एक्टिविज्म में जो लोग हैं वो पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं। पहले ये लोग वो बेनाम टाइप थे, अब एक्टिविस्ट हो गए, एक्टिविस्ट समझते हैं जैसे मैक्स से मिल रहा है या फिर प्राइज ये बाहर से ये और रीजन ऑफ ये और अब वो सब एक्टिविस्ट हो गए। So this now has become a big industry, activism. यानी मैं एक कुर्ता पहनूंगा, जाके चार किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, तीसरे दिन मेरे को फोन आएगा अमेरिका से कि भाई yes you are doing a good job, आपका चार जगह नाम हो जाएगा और उसके बाद मैं जहां भी देखूंगा कुर्ता पहन के खड़ा हो सकता हूँ, खड़े हो जाऊंगा। ये एक इंडस्ट्री बन गया है और वहां पे ये देखा मैंने, तो दिस इज ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन। द मोमेंट यू सी कि भाई ये हो रहा है तो आपको धोखा दिया जा रहा है एक तरह से। न्यूज़पेपर मैं जब खोलता हूँ तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, सबसे पहली चीज मैं ट्रस्ट करता हूँ इसलिए पढ़ता हूँ, और जब वो मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं ट्रस्ट तो गया। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, उस वक्त मैंने कहा कि भैया ना अखबार पढ़ना है, कभी वो नहीं है खाने वाने के नीचे बिछाने के लिए, आई डू यूज दैट, अदरवाइज आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, और ये जो रात वाला है ये तो कभी नहीं देखता, क्योंकि वो क्या है नॉलेज से ज्यादा क्या करेगा मेरे को बायस बना देगा। मैं उस दिन प्याज के बारे में सोचना चाहता था और उस दिन मेरे को दिखा दिया कि आप उसामा के बारे में सोचो, मेरी प्याज तो भाई मेरे को क्योंकि फर्क तो उससे पड़ रहा है ना, कल को मेरा बजट था 20 रुपए का, मैं 40 में प्याज खरीद के लाया तो आलू नहीं खरीद पाया। गवर्नमेंट की बात करते हैं लोग, कांग्रेस बीजेपी या सपोज कोई भी पार्टी, मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है इससे कि मेरे जो 100 रुपए है मैं थैला लेके मार्केट में जाता हूँ, मेरे 100 रुपए में कौन मेरे इस थैले में ज्यादा भर देगा। बहुत बेसिक बात है, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी वो पॉलिसी तो इट डजंट मैटर टू मी, व्हाट आई वांट इज माय लाइफ। एक बहुत बेसिक सी चीज की मेरी खुशी जब मेरा किसान खेत से निकाले फसल और इतनी स्पेस रहे, स्पेस नहीं है तो कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करे, जब वो तौलवाने जाए गेहूँ तो उसको कोई नहीं बोले कि तेरे हर के जी पे मैं 30 रुपये मुझे देना पड़ेगा तब तेरा गेहूँ बेचूंगा। ये सब चीज़ है, बेसिक चीज है। मेरा किसान जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे बात होती है ना, बोलते हैं खटा नंगा किसान, गंदे घरों में रहने वाला किसान। आज सुबह बात हो रही थी किसी से इसी बारे में, आप जाएंगे ना किसी किसान के घर में तो गंदा गंदगी दिखाई देगी, गंदगी इन द सेंस यू विल फाइंड भूसा वो सरसों के ऐसे ऐसे फेंके हुए, मतलब इट नॉट बी अ गुड लुकिंग समथिंग। कितने लोगों को ये पता है कि इट्स नॉट गंदगी वो वहाँ पे प्रोस्पेरिटी की निशानी है। मेरे घर के बाहर अगर चार ढेर भूसा रखा है इसका मतलब मेरी उतनी फसल हुई है, तब तक भूसा रखा है। मेरे घर के बाहर चार ढेर अगर बड़े बड़े गोबर रखा है इसका मतलब मेरे पास 10 गाय है जिसकी वजह से मेरे पास वो गोबर है। और वहां पे क्या है कि भूखा नंगा असहाय फटेहाल किसान, जैसे हमारा नंगा भूखा किसान नहीं है, वो फाड़ के जमीन के नीचे से हमको अनाज दे रहा है, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। और हमारे इंप्रेशन दिमाग में डाला जा रहा है ये रहा भूखा नंगा, इसको हम पॉलिसी बना के देते हैं, यहाँ से पॉलिसी देंगे ताकि तू उससे खुश हो जा, वो पॉलिसी आती है वो बेचारे को समझ नहीं आता, ऑब्वियसली उसके पास पेपर वर्क और सबके लिए टाइम नहीं है,
उसके दिमाग में जैसे ही कुछ होगा थोड़ा टाइम मिलेगा दौड़ के जाएगा जल्दी जल्दी खेत में जो भी खाना होगा अपने वो वीड्स निकालेगा खेत में काम करेगा या कुछ ऐसा करेगा उसके पेपर वर्क और ये सब का काम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं रिस्पेक्ट पार्ट जस्ट रिस्पेक्ट पार्ट और जहाँ ये सोसाइटी जो है या अर्बन सोसाइटी इफ इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद दोस पीपल शाम को जैसे आप वीकेंड्स में आप लोग जाते हैं वाटर किंगडम या कहीं चले गए वंस इन अ वाइल 365 दिन में एक संडे से जो भी आपके पास कार बाइक जो भी है जस्ट ड्राइव आउट ऑफ दिस प्लेस निकल जाइए बहुत शांति मिलेगी और कोशिश करिए कि आप उस डायरेक्शन में ना जाएं जिसमें सारा मुंबई जा रहा है लोनावाला खंडाला छोड़िए ऐसी जगह जाइए जहाँ खेत है किसान जितना उसको बस एक बार बोल दीजिए भैया बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आपकी वजह से मेरी थाली में रोटी पहुंचती है और मैं बहुत आपसे खुश हूँ से दिस आप आ जाइए वापस उसको क्या लगेगा अगर 10 आदमी ऐसा होते हैं कि उसको लगेगा ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ जब उसको लगेगा मैं जूता हूँ पैर का मेरी कोई इज्जत नहीं है तो काम भी वैसे ही करेगा ना जहाँ मौका मिलेगा 1,500 की नौकरी के लिए शहर में आ जाएगा और वो खेत बिक जाएगा। आपने क्या किया थोड़ा ड्राइव करके गए एक लाइन बोल दी वो खेत बिकते जाते हैं क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ताकत देता है। आई वॉन्ट